हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का ये जो वीडियो है NH260 के ऊपर रहने वाला है। तो हम लोग ने कम्प्लीटली इसके तीन पार्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले पार्ट में इसका हम लोग ने कम्प्लीटली डिसअसेंबली किया हुआ था, सेकंड पार्ट में हम लोग ने कम्प्लीट असेंबली किया, अभी वाला जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, या फिर वीडियो के एंड में आप जाके देख सकते हो कि दोनों पार्ट हम लोग ने कैसे बनाए हुए। तो प्रीवियसली एक छोटा सा अगर मैं आपको रिकैप दे दूं, तो पहले हम लोग ने क्या किया था, गाड़ी को हम लोग ने कम्प्लीटली असेंबल कर दिया था, बस चेन और ब्रेक्स बाकी थे जो कि हम लोग ने लगा दिए। अभी जो है गाइस एक प्रॉब्लम आ चुकी है गाड़ी में कि रेडिएटर गाड़ी का जो है काफ़ी ज़्यादा हीटअप होता है, और हम लोग ने एक बार रेडिएटर वाले को सर्विसिंग करवाने में बताया था, तो उसने बोला कि रेडिएटर के फिन्स काफ़ी ज़्यादा बेंड हो गए तो उसको चेंज ही करना पड़ेगा। तो हम लोग आज इसमें जो है एक ड्यूक 250 का रेडिएटर इंस्टॉल करने वाले, और ड्यूक 250 का रेडिएटर काफ़ी बड़ा साइज़ है। मैं आपको कंपेयर करके ही बता दूंगा कि अगर हम लोग 260 का इंजन बना सकते तो रेडिएटर हम लोग तो लगा ही सकते हैं, और ईजिली रेडिएटर जो है वो फिट हो जाएगा। और हमारा जो फ़ैन है वो भी KTM का ही फ़ैन है, तो दोनों KTM के रहेंगे तो काफ़ी अच्छा बेटर कूलिंग हमें मिलेगा। और एक अपडेट है गाइस कि मोटरसाइकिल के लिए हम लोग ने नई बैटरी भी ली है, पुरानी बैटरी ख़राब हो गई थी वो हम लोग ने RC में लगाई थी, और RC को तो मैंने सेल आउट कर दिया है, और उसको बेचते बेचते काफ़ी टाइम लग गया मुझे। तो सबसे पहले मैं आपको हमारी NH260 का जो कंडीशन है अभी राइट नाउ वो बता देता हूँ। थोड़ी सी गंदी है क्योंकि हाथ हमारे लगते रहते हैं, ऑयल के पूरे हाथ रहते, तो लास्ट में हम लोग उसको बफिंग भी कराएंगे, उसके बाद स्टिकरिंग करवाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारी NH260 तो कम्प्लीटली जो वर्क हो चुका है। पीछे हम लोग ने नए ब्रेक पैड डाल दिए, इसमें थोड़ा सा घसने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक मोटरसाइकिल की रनिंग नहीं हुई। एग्जॉस्ट भी आप देख सकते हो, एग्जॉस्ट भी हम लोग ने कम्प्लीटली लगा दिया है इसमें। उसके बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे रेडिएटर, तो ये प्रॉब्लम हो चुका है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो फ्रंट से ऐसा कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये बॉटल भी टूट चुका है, और ये नया बॉटल मैंने ऑर्डर कर दिया था, और तो नया बॉटल भी इसमें हम लोग इंस्टॉल कर देंगे। जस्ट ब्रेक ब्लीडिंग करने के लिए ये बॉटल को मैंने जिप्टा से टाई करके रखा हुआ था। अभी अगर हम लोग रेडिएटर के बारे में बात करें तो रेडिएटर के यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएटर का जो ब्रिम है यहाँ पे, ये जो है ये पूरा स्टक हो चुका था, और इसको निकालते निकालते रेडिएटर का ब्रिम ही मैंने मिसअलाइन कर दिया। और अगर फिन्स अगर आप देखोगे रेडिएटर के, फिन्स की हालत बहुत ही ख़राब है, और रेडिएटर का साइज़ भी अगर आप देखोगे तो साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये कुछ खास इतना बड़ा रेडिएटर नहीं जो हमारी गाड़ी को कूलिंग कर सके। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने KTM ड्यूक 200 का फैन लगा हुआ है, जो कि काफ़ी फास्ट है और काफ़ी इनफ है अगर हम लोग बड़ा साइज का रेडिएटर लगाते हैं ये तो भी। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारी NS का जो है हम लोग को सबसे पहले रेडिएटर ओपन करना है, उसके बाद हम लोग इसमें रेडिएटर जो है वो फिट करेंगे। तो रेडिएटर ओपन करने के लिए सबसे पहले दोनों सीट निकाल देंगे, उसके बाद टैंक निकाल देंगे, उसके बाद हम लोग का पूरा रेडिएटर का जो एक्सेस है वो हो जाए। पीछे का सीट निकाल दिया हम लोग ने, फिर ये आगे का सीट, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है, और उसके बाद फ्रंट में एक बोल्ट है, और साइड में दो बोल्ट्स रहते हैं। ये सारे बोल्ट्स निकाल दोगे तो डायरेक्टली हमारा जो टैंक है वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका टैंक जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो बोल्ट सारे मैंने लूज ही रखे क्योंकि मेरे को रेडिएटर का पता था कि पहले से कुछ काम होने वाला है। तो सबसे पहले एक बोल्ट निकाल दें यहाँ से, अभी आगे का बोल्ट लूज कर देते हैं हम लोग। अभी रेडिएटर में जो है कूलेंट भर कर रखा हुआ है, तो उसको ड्रेन करना सबसे पहला जरूरी है। तो ड्रेनेज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है वेंट पाइप। तो गाइस आप देख सकते हो कूलेंट अभी सारा निकल रहा है मोटरसाइकिल में से। जो है हमारे रेडिएटर में जितना कूलेंट था वो सारा निकाल दिया है। अभी जो रिजर्वायर में जो कूलेंट होगा वो अभी हम लोग निकालने का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे पहला क्लैंप है जिसको हम लोग को लूज करना है। तो आप देख सकते हो रेडिएटर अभी निकल चुका है एक क्लैंप से, अभी वो साइड का क्लैंप अभी हम लोग लूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो क्लैंप ही है इसमें। तो आप देख सकते हो रेडिएटर जो है हमारे हाथ में आ चुका है कम्प्लीटली, और साइज देख सकते हो आप रेडिएटर का कितना छोटा है। अभी मैं कंपेयर करके आपको बता दूंगा कि दोनों में साइजेस का डिफरेंस कितना है। और ये पहला रेडिएटर है जो मोटरसाइकिल का मैं चेंज कर रहा हूँ। जब से मोटरसाइकिल खरीदी है 2013 की मोटरसाइकिल है, तो उसके बाद ही सबसे पहली बार ये रेडिएटर चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट है, और यहाँ पे एक बोल्ट है। तो तीन बोल्ट हम लोग निकाल देंगे तो हमारा जो फैन है वो भी निकल जाएगा और हमारे नए रेडिएटर असेंबली में लग जाएगा। तो अभी हम लोग साइज कंपैरिजन आपको बता रहे हैं कि साइज क्या है ये रेडिएटर का और ये साइज क्या है। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसके ऊपर भी रख दूं तो आप देख सकते हो कितना छोटा रेडिएटर है हमारा और ये कितना बड़ा रेडिएटर है। तो ये काफी अच्छा कूलिंग हम लोग को प्रोवाइड करेगा।
सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो फैन है ये तो हम लोग ने निकाल दिया है, वही सेम फैन अभी हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देंगे के बाद जो हम लोग रेडिएटर लगाने का काम स्टार्ट कर दे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये तीनों बोल्ट जो है ये हम लोग ने लॉक नट्स पे लगा दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी जो है सिर्फ हम लोग को इसके ऊपर फैन रख देना है डायरेक्टली और ये होल्स को मैच कर देना है हमें, और फैन जो है वन साइड ही लगता है ऐसा, आप मतलब दूसरे साइड लगा नहीं सकते हो, एक ही टाइप से जो है फैन लगता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो है हम लोग ने रेडिएटर एकदम प्रॉपरली फिट कर दिया, बट फिटिंग में एक इशू हो रहा है, वो साइड का जो होस पाइप था वो साइड वो एकदम प्रॉपरली फिट हो रहा है, पर यहाँ का जो होस पाइप है बहुत ज्यादा लेंथ खा रहा है। तो हम लोग ने एक जो है नया होस पाइप लिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कम्प्लीटली न्यू होस पाइप है, तो इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कट कर देंगे, फिर इसको वापस से ज्वाइन कर देंगे और क्लिपिंग कर देंगे, तो ये प्रॉपरली फिट हो जाए। तो हम लोग ने ड्यूक 250 का रेडिएटर जो है वो प्रॉपरली लगा दिया है, अभी जो है हम लोग इसके अंदर कूलेंट डालने वाले, जो पुराना कूलेंट है वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़े टाइम इसको रन होने देंगे फिर हम लोग इसमें जो है एक नया कूलेंट डालेंगे। तो अभी हम लोग ने इसमें नई बैटरी ली है विच इज एमरॉन प्रो राइडर पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी बबल्स नहीं आ रहे, पर इंजन जब भी स्टार्ट होगा उसके बाद ही बबल्स आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसका एयर ब्लीडिंग कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो बॉटल ये टूट चुका था, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हम लोग ने ये दूसरे आरसीबी लीवर का बॉटल यूज कर रहे हैं अभी हम लोग। सबसे पहले ऑयल डाल देंगे इसके अंदर हम लोग, जो जितना भी बचा होगा। तो गाइस मोटरसाइकिल का कंडीशन आप देख सकते हो कैसा है अभी, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काम करते टाइम थोड़े स्क्रैचेस आ गए, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सरफेस जो है ये स्मूथ नहीं है, तो इस पर सबसे पहले हम लोग को पेपर मारना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जो है रबिंग कंपाउंड मारना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इस पर स्टिकर्स लगा सकते हैं। और थोड़ा सा गणपति का टाइम था तो हम लोग ने पूजा करा दी गाड़ी की, तो डायरेक्टली अभी हम लोग चलते हैं और इस पर सबसे पहले जो है पेंट करेक्शन करवाते हैं, जो लास्ट स्टेप रहता है जो पेंटिंग करते हैं हम लोग, उसके बाद का जो स्टेप रहता है वो करवाएंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी मोटरसाइकिल हमारी ऐसी कुछ दिख रही है, और कम्प्लीटली टेफ्लॉन कोटिंग जो हम लोग ने कल किया था, पहले तो इसने सैंडिंग किया, उसके बाद रबिंग कंपाउंड लगाया, उसके बाद जो एक पॉलिशिंग कंपाउंड रहता है जो इसको एक्स्ट्रा लेयर देता है वो किया हुआ है। तो आप देख सकते हो शाइन कितना बेटर हो गया है मोटरसाइकिल का। अभी जो है स्टेबलाइजर लगाने की बात, तो अभी स्टीयरिंग स्टेबलाइजर का टाइम आ चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने गैस स्प्रिंग खरीदा हुआ है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे से मैंने एक छोटा सा पीस कट किया हुआ है, और ये कम्प्लीटली 5D कार्बन है। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और अभी परफेक्ट देखना बंद भी होता है। तो आप देख सकते हो
स्टेबलाइजर जो एकदम परफेक्टली इंस्टॉल कर दिया हम लोग ने। पहले जो थे पेंट में काफी सारे थोड़े ग्रेडियंट टाइप थे, मतलब जब भी हम लोग लेकर मारते थे वो अनइवनली स्प्रेड हो जाता है, तो उसको क्लियर आउट करने के लिए सबसे पहले पेपर मारा हम लोग ने, उसके बाद रबिंग कंपाउंड, उसके बाद एक पॉलिशिंग कंपाउंड। तो आप देख सकते हो हमारी मोटरसाइकिल ऐसा कुछ लुक दे रही है अभी अभी। जस्ट एक ही काम बाकी है इसमें जो कि है स्टिकरिंग का काम, और मोटरसाइकिल भी एकदम प्रॉपरली रन कर रही है, और इसको मैंने अभी तक 100 से लेके 150 किलोमीटर आराम से चला दिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 250 का जो रेडिएटर हम लोग ने लगाया जो कि काफी मैसिव लगता है, और लोगों को देखकर ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीज हम लोग ने एक्स्ट्रा एड ऑन किया इसमें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ये रेडिएटर ही गाइस बहुत मैसिव है, आप देख सकते हो यहाँ से ही बहुत मैसिव रेडिएटर दिखता है। और थोड़े दिन बाद में जो है ये ब्रेक लाइन जो है रबर ब्रेक लाइंस ये भी चेंज कर दूंगा स्टील ब्रेक लाइंस पे, तो मोटरसाइकिल जो है काफी ज्यादा बेटर लगी। और गाइस मोटरसाइकिल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब से हम लोग ने इसको रिस्टोर किया और ज्यादा अच्छा चल रही है, क्योंकि रेडिएटर भी हम लोग ने चेंज कर दिया है, इंजन ऑयल थोड़े दिन के बाद हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी जो है नॉर्मल इंजन ऑयल डाला है मैंने, जो पुराना था मेरे पास एक स्टॉक में पड़ा था तो वो डाल दिया 7100, अभी तक हम लोग ने इसमें एड ऑन नहीं किया, तो वो थोड़े दिन में एड ऑन करेंगे क्लच प्लेट्स के साथ। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे तो इसको स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कम्प्लीटली जो है ऑफिस एरिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग इसको। अभी थोड़ा हम लोग आउटसाइड जाते हैं, वहाँ पे स्टार्ट करके थोड़ा रेव करके आपको दिखाते हैं। आज के थर्ड पार्ट के लिए तो गाइस सारा चीज हम लोग ने इसमें कर दिया, ब्रेक्स लगा दिए, नए रेडिएटर लगा दिए, चेन लगा दिया, और मोटरसाइकिल कंप्लीटली रनिंग कंडीशन में। नेक्स्ट चीज जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टिकर्स का, और स्टिकर्स ये बार में काफी ज्यादा खतरनाक करने वाला। तो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच, लव, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।